कानपुर में लगातार कड़ाके की सर्दी में भी क्षेत्रीय पार्षद अर्पित यादव और क्षेत्रीय जनता के साथ 3 दिन धरना प्रदर्शन किया, जिससे सिविल लाइन थी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनता परेशान थी। उस समस्याओं को दूर करने के लिए पार्षद अर्पित यादव धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद सभी अधिकारियों को जानकारी होने के बाद पार्षद और क्षेत्रीय जनता को प्रदर्शन पर बैठने के लिए रोकते हुए बोले कि अपने कार्य को जल्दी से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन पार्षद और क्षेत्र की जनता अपने बातों पर विश्वास ना करके प्रदर्शन पर बैठे रहे। इसके बाद क्षेत्रीय जनता और पार्षद ने आज यज्ञ करने के लिए ठान लिया कि हम सभी लोग मिलकर यज्ञ का आयोजन करें तो शायद ही जलकल विभाग के अधिकारियों को शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो सके। यज्ञ करते अचानक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आप लोग इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और अर्पित यादव पार्षद 85,07,000 का चेक प्रदान किया, जिससे सभी जनता के चेहरे खिल उठे और उन लोगों को प्रदर्शन के लिए समाप्त कर दिया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पार्षद जी, आज कौन सा दिन है, क्या धरने का, आपको क्या क्या मांगे हैं आज और क्या कर रहे हो? विश्व बैंक कॉलोनी के अंतर्गत बर्रा हाट में यहाँ पर लगातार 3 वर्षों से लोग परेशान हैं। सीवर लाइन का कार्य करा दिया गया, उसका लोकार्पण कर दिया गया, जबकि काम पूरा नहीं हुआ था। मेरे द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जब मेरी सुनवाई नहीं कहीं हुई केडीएम में, मैंने धरना प्रदर्शन किया तो मैंने क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर 5 तारीख से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर मैं बैठा हूँ। लगातार आज 3रा दिन मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। चूँकि केडीए के अधिकारी पूर्णतया भ्रष्ट हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो क्षेत्रीय जनमानस के साथ मिलकर आज हम सभी लोग यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है और इसी तरीके से ये धरना चलता रहेगा क्षेत्रीय समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो। लगभग कितने लोग इस जो समस्या है इससे ग्रसित हैं? लगभग 1,00,000 लोगों के ऊपर यहाँ पर लोग हैं जो प्रभावित हैं, परेशान हैं, जिनके घरों में सीवर का पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पीछे से भी सीवर भरा हुआ, आगे से भी सीवर भरा हुआ है, लोग पूर्णतया परेशान हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं क्षेत्रीय माताएं बहनें सभी लोग यहाँ पर रोड पर उतरी हैं। यदि हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। आज किस तरीके से अधिकारियों को आप लोग जगा रहे हैं? आज अधिकारियों को हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ करके जगाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद चूँकि भगवान का यज्ञ जो होगा, यज्ञ महाराज उनको सद्बुद्धि दें जिससे उन पर ज्ञान आए और क्षेत्र की समस्या का निदान कराने के लिए वो यहाँ पर आकर काम कराएं। कल क्या करेंगे आप? आज हमने ये किया है, कल हम लोग उनके लिए हवन के, आज हवन का काम है, कल कीर्तन भजन का काम करेंगे। ठीक।